मेरे को ऐसे ऐसे कमेंट्स आए, मतलब ये हैरानी की बात ये है कि मैं दिलजीत पाजी के पैर छू रहा हूँ, मुझे उस पर भी हेट कमेंट मिल रहा है, उस पर भी ज्ञान मिल रहा जी। तो दूजी गल स्पेशल उन्होंने वीर लिए जो मैनू कमेंट करते ने इतनी ज्यादा हेट। तुहानू पता मेरी हसल की है, तुहानू पता मेरी एजुकेशन की है। हेलो जी, सत श्री अकाल, दिस इज द वन एंड ओनली इंडिया का नंबर वन ब्लॉगर दी अल्फा सिंह, जो आजकल वीडियोस नहीं डाल रहा है। ऑलमोस्ट 3 हफ्ते हो गए हैं जी, आखिरी वीडियो शायद दिलजीत कॉन्सर्ट की डली थी, और उससे पहले हाउ आई मेट दिलजीत दोसांझ एंड एक आधा क्रिकेट का शॉट डला था। काफ़ी अच्छी चली जी मेरी ये वीडियोस एंड रील्स, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। 5.5 मिलियन व्यूज़ आए क्रिकेट वाली पे तो, और दिलजीत वाली पे भी काफ़ी अच्छे आए। मतलब जी अगर मैं आपको अपने चैनल के एनालिटिक्स देख के बताऊँ तो पिछले 1 महीने में मेरे चैनल पे 7.5 मिलियन व्यूज़ आए हैं और ऑलमोस्ट 14-15 हज़ार सब्सक्राइबर्स बढ़े, 50,000 सब्सक्राइबर्स का मार्क पूरा कर लिया जी। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। बट वीडियोस क्यों नहीं आ रही? देखो जी, जब इंसान बहुत तेज़ी से ग्रो करना शुरू करता है ना, अगर भगवान का वो खास बंदा है तो भगवान उसकी झोली में कुछ पत्थर कुछ दिक्कतें डाल देता है, जिससे कि वो बंदा इतनी तेज़ी से ऊपर ना जाए कि जब गिरे तो एकदम लबलेट ही हो जाए जी। सो शायद इसलिए ऐसी दिक्कत आई। मैं डिस्कस नहीं कर सकता, बस इतना बता रहा हूँ कि उस चक्कर में मैं जी वीडियो नहीं डाल पाया कोई। बट जब ये वीडियो डल गई है तो अब रेगुलर वीडियो डलनी स्टार्ट हो जाएंगी, शॉर्ट्स, व्लॉग्स, ऑफिस व्लॉग्स, क्रिकेट व्लॉग्स सारे आएंगे। बस एक छोटी सी दिक्कत है कि जी मेरे पास जो कंटेंट इकट्ठा हो रखा है ना, वो इतना पुराना है कि उसमें एक दो व्लॉग्स में मैंने तो जी स्वेटर पहन रखा है, तो मैं थोड़ा कश्मकश में हूँ कि उसको डालूँ या नहीं डालूँ। वो ऑफिस वाले व्लॉग्स हैं गरिमा जी के साथ जो मैं शूट करता हूँ गाड़ी में। सो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आप वो देखना चाहते हो या नहीं। अगर आप मना कर दोगे तो जी मैं वो नहीं डालूंगा, एंड जो थोड़े रीसेंट व्लॉग्स हैं वो डालूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं वो वाले भी डाल दूँ जी तो पा देंगे जी। बस मुझे गालियाँ मत लिखना कि इतना पुराना व्लॉग डाल रहे हो। सो अब आते हैं जी इस वीडियो के मेन टॉपिक पे, और सच बताऊँ जो मैंने शुरू में रीज़न बताया, जो कि मैंने नहीं बताया वो तो मेन रीज़न था ही कि मैं वीडियोस नहीं डाल रहा, उसके अलावा जी एक दो छोटी मोटी बातें और थी जिनकी वजह से मैं हर्ट हुआ था, मुझे बहुत बुरा लगा था, और आप उसको भी जोड़ सकते हो उन रीज़न में जिसकी वजह से वीडियोस नहीं डल रही थी। वो क्या बातें थी जी, मैंने लिख रखी हैं 2-3, तो पॉइंट टू पॉइंट चलता हूँ जी। अब जी दिलजीत भाई से मिलने का मौका मिला, ड्रीम कम ट्रू है। आप देख ही सकते हो आजकल उनके कॉन्सर्ट हो रहे हैं, लोग कैसे पागल है मिलने के लिए। तो मुझे भगवान ने मौका दिया और मेरे दोस्त की वजह से मुझे दिलजीत भाई से मिलने का मौका मिला। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। जिस रात मैं उनसे मिल के आया उसी रात सुबह के 5:30 बज गए थे जी। तो मैंने एक रील बनाई, अभी प्ले करूँगा उसको मैं, और सुबह 10 बजे उठ के जी मैंने वो रील अपलोड कर दी। ज़्यादा टाइम नहीं मिला उसको दोबारा से देखने का या रीविजिट करने का, कुछ एडिटिंग करने का, बस डाल दी। रिस्पॉन्स शुरू में बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलने लगा, जो अपने फ्रेंड्स फैमिली थे उनके फ़ोन आने लग गए। बट जैसे ऐसे टाइम बीतता गया ना, मेरे को ऐसे ऐसे कमेंट्स आए और अपने बंदों से आए कि मैं आपको बता नहीं सकता कितना बुरा लगा। तो जी पहले मैं वो रील प्ले करता हूँ, हम दोनों बैठ के देखते हैं, उसके बाद एक एक करके जिन जिन पार्ट्स पे जी मुझे कह लो कि हेट मिली उन पे थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और उनका मैं रिप्लाई देता हूँ जी। आइए। बहुत लोग मुझे दिलजीत बोलते हैं या ऐसा बोलते हैं, आप तो दिलजीत जैसे दिखते हो। शायद इसलिए क्योंकि दिलजीत पाजी मेरे बहुत सालों से इंस्पिरेशन रहे हैं, उनको देख के जी पगड़ी पहनना सीखा है, कपड़े पहनना सीखे हैं, एंड आज फाइनली उनसे मिलने का मौका मिला और इन सब चीज़ों के लिए थैंक यू बोलने का मौका मिला। आपको ये दिखाने का मौका मिला कि हम दोनों जी दो अलग बंदे हैं, वो लेजेंड रॉकस्टार हैं एंड मैं तो क्या यू। ठीक है जी, आपने देख ली, आपको आई डोंट नो पकड़ी गई वो चीज़ें या नहीं। अगर आप पंजाबी हो तब तो आपने नोट कर लिया होगा, क्योंकि जी सबसे ज़्यादा हेट मुझे अपने बंदों से ही मिली है।
सिद्धू मूसेवाला का जी बड़ा फेमस गाना है 295 एंड उसकी कुछ लाइंस मैं आपके सामने रखता हूँ। कई थे बचाउण सभ्याचार जुट के, जना खणा दिंदा है विचार उठ के, इंज लगे रब जिवें हथ खड़े कर गया। पढ़ा जदो ऐ कमेंट्स अपने पंजाबियों के, ये लास्ट लाइन मैंने मॉडिफाई करी है। इतनी ज़्यादा हेट, मतलब 99.9% हेट मुझे अपने पंजाबियों से, अपने सिख वीरों से, खासकर पंजाब की साइड से उनसे मिली जी, कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। सो जी सबसे ज़्यादा हेट तो मुझे एक बात पे मिली कि हमें तो तू कहीं से दिलजीत नहीं लगता, किसने कहा दिलजीत लगता है। अब ज़रा प्ले करता हूँ मैं वीडियो। बहुत लोग मुझे दिलजीत बोलते हैं या ऐसा बोलते हैं आप तो दिलजीत जैसे दिखते हो, शायद इसलिए क्योंकि दिलजीत पाजी मेरे बहुत सालों से इंस्पिरेशन रहे हैं, उनको देख के जी पगड़ी पहनना सीखा है, कपड़े पहनना सीखे हैं। अब यहाँ से जी दो बातें निकलती है, पहली तो कि मैं बोल रहा हूँ कि बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि मैं दिलजीत जैसा दिखता हूँ, ठीक है जी, और इस बात में कोई शक नहीं है, 50 100 नहीं हजारों में लोग बोल चुके हैं मुझे, और फिर भी मैं खुद से अपने आप को कभी नहीं कहता कि भाई मैं दिलजीत हूँ या मैं दिलजीत जैसा दिखता हूँ या मुझे दिलजीत पाजी की कॉपी बनना है, बिल्कुल नहीं बनना जी, हम अपनी राह अपनी अलग बना रहे हैं। बट जो मैंने यहाँ पे बात रखी वो ये रखी कि शायद इसलिए बोलते हैं कि दिलजीत पाजी इंस्पिरेशन है मेरे लिए जी, उनको देख के सच बताऊँ फैशन सीखा है, पग बांधनी सीखी है एंड बहुत कुछ सीखा है। आपको पता ही है जी कितना बढ़िया बंदा है, रब का बंदा है, क्या विचार है उनके, इंटरव्यूज मैंने सारे देखे हैं। सो उनके ये गुण शायद उनको फॉलो करते करते मेरे में आ गए थोड़े बहुत, और अगर आपने गौर फरमाया हो तो अभी मैंने क्या बोला कि मुझे इसलिए बोलते हैं लोग दिलजीत पाजी जैसे क्योंकि शायद मैंने उनको देख के पगड़ी बांधनी सीखी है। बट यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, बहुत लोग मुझे दिलजीत बोलते हैं, ऐसा होता है तो दिलजीत जैसे दिखते हो, शायद इसलिए क्योंकि दिलजीत पाजी मेरे बहुत सालों से इंस्पिरेशन रहे हैं, उनको देख के जी पगड़ी पहनना सीखा है, कपड़े पहनना सीखे हैं। सुबह के 5:30 बज रहे थे, रात को ही मैं प्रीमियर से आया था, सोया नहीं था, और मुझे था कि ये सारी एक्साइटमेंट मुझे निकालनी है जी, और मुझे सुबह उठते ही वीडियो डालनी है, रील डालनी है इंस्टाग्राम पे, तो जी मैंने शूट कर दी। हिंदी में मैं बात कर रहा था और कोई मैंने स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी, जो मेरे इमोशंस थे बस वही मैं व्यक्त कर रहा था जिस टाइम पे। तो मैं बोलना चाह रहा था जी, दिलजीत पाजी को देख के ही मैंने पगड़ी बांधनी सीखी है, कपड़े पहनना सीखे हैं, बट वो जल्दबाजी में क्या निकल गया, पगड़ी पहननी सीखी है। इस बात से सरदार बंदे अपने सिख ब्रदर्स, सिख वीर, पता नहीं इतने ज़्यादा ऑफेंड हो गए। आपको भी पता है अगर आप सिख हो कि जी ये पगड़ी मैंने पहनी नहीं है, ये ऑब्वियसली बांधी है, सजाई है जी, और जहाँ तक मुझे लगता है वाहिगुरु की कृपा से काफ़ी अच्छी सजाता हूँ मैं, आपको भी पता है, बट फिर भी लोगों में जी पता नहीं क्या चुल्ला है, क्या हेट है, खासकर अपने पंजाबियों में, कि खुद पंजाबी होके अपने दूजे पंजाबी वीर नू की लिखते हैं। ये तो मैंने जी बोल के आपको उसका रिप्लाई सुना दिया, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ कि दिलजीत पाजी को मैंने क्या बोला था। आई डोंट नो आपको आवाज आई है नहीं क्लियर, बट दिलजीत पाजी के जैसे ही मैंने पैर छुए थे सबसे पहले तो उन्होंने मेरे को एकदम से उठाया और बोला जी महाराज के बंदे हैं ऐसी तो ऐसे पैर नहीं छूते। मैंने कहा पाजी तुहानू देख के ही वड्डे होए हैं, तुहाडे तो हर चीज़ सीखी है, पग बढ़नी, तैयार होना, एवरीथिंग, सो थैंक यू फॉर दैट। वहाँ मैंने पंजाबी बोली तो क्या निकला जी मुँह से, पग बढ़नी सीखी है। बट इस पे जी किसी ने गौर नहीं फरमाया, इससे क्या पता लगता है जी कि किसी को ये मतलब नहीं है कि भाई कोई बंदा मिल लिया है ना, और कोई बंदा अपने एक खुशी वाले इमोशन दिखा रहा है, तो बीइंग अ पंजाबी, बीइंग अ सिख, तुहानू भी खुश होना चाहिए, बट तुसी हेटरेड फैला रहे हो, तो यह गल मैनू बहुत ज़्यादा चुभी, बहुत ही ज़्यादा। बट एनी हाउ हूँ तो आई एम ओवर इट, सो कुछ फर्क नहीं पैंदा, पता लग गया जी कि जदों भी तुहाडी तरक्की होएगी या जदों भी तुहानू कुछ मिलेगा ना तो तुहानू हेट करन वाले दूजे नहीं होने, अपने ही होने, दुनियादारी यही है। अब आती है जी आखिरी बात कि दिलजीत पाजी वाला व्लॉग डाला मैंने, रील्स डाली, और आप देख रहे हो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ,
तो क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि जी मेरा व्लॉग चैनल हिंदी में ही है। हर चीज़ में शुरू से हिंदी में ही बताता आया हूँ। शुरू में मैं सीए से रिलेटेड कंटेंट डालता था। सीए में ज़्यादातर हिंदी ऑडियंस है, साउथ की भी है, वेस्ट की भी है, बॉम्बे साइड की, तो उनको हिंदी समझ आती है, पंजाबी नहीं आती। ये तो जी पहली बात हो गई। तो दूजी गल स्पेशल उन्होंने वीर लई जो मैनू कमेंट करते ने, मतलब इतने बुरे तरीके से मेरे को बोलते हैं कि मतलब मुझे दिखाना चाहते हैं कि भाई तू है क्या, तेरे को पंजाबी बोलनी तो आती नहीं। तो वीरो गल ए हैगी है कि पंजाबी मैनू बोलनी भी आती है तो लिखनी भी आती है। तो बचपन तो लैके 12th क्लास तक मैं एक सिख स्कूल से ही पढ़िया हाँ, तो पंजाबी से हमेशा मैं डिस्टिंक्शन स्कोर की थी है। ठीक है जी, बोल सकता है मैं पंजाबी, बट क्यों नहीं बोलता, पहला रीजन था मैं दसिया तुहानू। दूजा एक होर जी, शुरू तो ही मैं दिल्ली से रहा हाँ, मेरी सोसाइटी, मेरा स्कूल, मेरी फैमिली, जिन्ना लोगों नाल डील करता मैं ऑफिस से, हर किते हिंदी ही बोली जाती है। बावजूद पंजाबी मेरी मदर टंग है, बट जेड़ी फर्स्ट लैंग्वेज मेरे जबान ते आउंदी है वो हैगी हिंदी। आई एम मोर कंफर्टेबल स्पीकिंग हिंदी रादर दैन पंजाबी, तो इस करके मैं हिंदी बोलता हाँ अपने व्लॉग्स। तो आई डोंट नो इस चीज़ तो किसी को की दिक्कत हो सकती है, मतलब इस पर भी तुम हेट फैलाओगे अपने एक पंजाबी वीर नूं, ऐ कहोगे तू पंजाबी क्यों नहीं बोलता, हमेशा से पंजाबी बोलिए। तुसी जे जॉब करन जाते हो, तुसी जे कनेडा यूएसए जाते हो, उत्थे जाके तुसी गोरे नाल पंजाबी बोलते हो या इंग्लिश बोलते हो, मैनू दसो, इंग्लिश बोलते हो? तो वाए, मतलब ये हैरानी की बात ये है कि मैं दिलजीत भाजी के पैर छू रहा हूँ, मुझे उस पर भी हेट कमेंट मिल रहा है, उस पर भी ज्ञान मिल रहा है जी। अब जी मेरे से वो बड़े हैं कितने, मेरी वो इंस्पिरेशन रहे हैं, मैं पहली बार ऐसे उनसे सामने से मिल रहा हूँ, यार मैं पैर नहीं छूंगा। तो पंजाबी वीर कह रहे ने वो पग बन के पैर च पै रहे तू दे कि तू पग दी डिसरिस्पेक्ट कर दी, वो कर दी। यार तुसी अपनी पग बन के अपने माँ प्यो दे, अपने रिलेटिव्स दे, पता नहीं किन्ना किन्ना दे तुसी पैर छूंदे हो, मतलब डिसरिस्पेक्ट हो गई पग दी। पग साड़ी शान है, तो एक पंजाबी बंदे दे ही मैं पैर छू रहा, उस बंदे ने भी मैंने यही किया कि असी महाराज के बंदे हाँ, सानू तो पैर छून की लोड़ नहीं है। बट ए नहीं कि उन्हें कि तू पग बनी है इस करके तू पैर नहीं छू सकता। यार व्हाट इज दिस, हम जी हमारे माँ बाप ने यही सिखाया है कि किसी को कोई भी तुम्हें बड़ा मिलता है, इंस्पिरेशन है तुम्हारी, ये जो भी मिलता है, स्कूल के टीचर मिलते हैं, क्रिकेट के कोच मिलते हैं, तुम उनके जी पैर छूने। अब हमने अगर पगड़ी पहनी है, अब फिर देखो जी मुंह हिंदी में निकल गया, अगर हमने पगड़ी बांधी है तो जी पैर उनके मैं छू ही नहीं सकता। क्या लॉजिक है यार, क्या लॉजिक है, मतलब फिर वही गल आ गई, जिवें ही किसी नूं देखदा है कि कोई बंदा जी तरक्की कर रहा है, अरे साढ़े सामने तो रील आ गई है, फुद्दू बंदा है, अपने आप उजाला समझ रहा है, की समझ रहा, तुहानूं कुछ नहीं पता बैकग्राउंड बंदा की है, वह फुकरी मारता फिरदा है, वह की हो गया दिलजीत नूं मिलिया, वह पंजाबी बोलनी नहीं आती, वह पगड़ी पाई नहीं जाती, पगड़ी बनी जाती है, तुहानूं पता मेरा बैकग्राउंड की है, तुहानूं पता मेरी हासिल की है, तुहानूं पता मेरी एजुकेशन की है, कुछ नहीं पता, बट तुसी डाउन करना है सामने वाले को इधर कमेंट्स करके। ऑल दो मैं जी काफ़ी रिप्लाई देते, उल्टा जितना गंदा उन्होंने लिखा मैंने उनको उनसे डबल गंदा लिख के ब्लॉक मारा है, क्योंकि खोल जाता है जी कभी कभी खून, करना नहीं चाहिए बट करा मैंने, लेकिन फिर इतने आ गए कि मैंने कहा जी किस किस को जवाब दे, तो इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। बट एनी हाउ इन चीज़ों से जी ऊपर उठ चुके हैं, छोटा सा ट्रेलर भगवान ने एंड अपने पंजाबियों ने एंड बाकी लोगों ने भी जिन्होंने हेट कमेंट करे, दिखाया कि तू चढ़ तू ऊपर चढ़, हम तेरे को खींचने के लिए तैयार बैठे हैं जी। सो अब मैं थोड़ा ध्यान से चढ़ाई करूँगा। सो थैंक यू सो मच जी, कीप सपोर्टिंग, आई विश आप खुश रहो, तरक्की करो, और जैसे आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो ऐसे ही करते रहो जी, बहुत आगे जाना है अभी, बहुत ही ज़्यादा, सोच भी नहीं सकते उतना आगे जाना है। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, सत श्री अकाल, साइनिंग ऑफ दी अल्फा से। Let's go.